तो आप लोग देख सकते हैं उधर चाय की बागान। वाओ चाय की बागान। तो बहुत सारा आदमी लोग इधर काम करने के लिए आए, पट्टे तोड़ने के लिए आए सुबह सुबह के टाइम में। फिर इधर वर्षा इतना मग गया ना पान रही थी थाना सीने ओदी बैठे ना। तो गाइस सामने जो दिखाई दे रहा है भूटान का पुलिस है। आप गिटार बजाता है? गिटार बजाता है आप? अच्छा है, अच्छा है, नाइस। हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज एक राइड में जा रहा है जो कि खूबसूरत भी खतरनाक रोमांचक भी बहुत अच्छा सा होने वाला है। ये राइड, ये जगह का नाम है कोरामोर, इसके बाद सामना भूटान और लास्टली अरुणाचल बॉर्डर तक जाएगा। हो सके तो अरुणाचल में एंट्री करेगा हम लोग। तो देखते हो क्राइटेरिया क्या है, मतलब कुछ परमिट चाहिए बोला है। तो अभी टाइम बजा है 5, इसके बाद 6 बजे को रेडी हो जाएगा राइड। तो आप लोग वीडियो को देखते रहना, ओके लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं कि हाथ में सब तिरंगा लगा हुआ है। हम लोग तो तेल 10 बाइक है, तो 15 अगस्त तो आने वाला है। तो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तो ये हमारा गांव का शौक, तो यहाँ से जाने स्टार्ट हो गया। तो पहले जाएगा हम लोग सामना भूटान में, देन लेट्स गो। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी जो है हम लोग टाउन पर पहुंच गया। यहाँ से होगा करीबन 60 किलोमीटर होगा हम लोग का एक्सट्रैक्शन। इसके बाद हो चुके तो हम लोग पूरा कॉप के लेगा आगे में। तो क्या हुआ भाई, आगे सब रुका हुआ है, लगता है कुछ हुआ है। तो जाके पूछता हूँ क्या हुआ है, देखता हूँ क्या होता है। नहीं भाई पेट्रोल आगे में, आगे मिलेगा भाई। चलो चलो चलो, सुबह सुबह का टाइम है, अभी तो बनने के लिए खुला है। तो हम लोग इधर पेट्रोल डालने वाला है थोड़ा थोड़ा आगे। हेलो हेलो अच्छे। तो हम लोग अभी पेट्रोल डाल के ले लिया इधर, इसके बाद हम लोग रास्ते में ब्रेकफास्ट करेगा और अच्छा सा एक होटल लेके। तो चाय भाई कुछ नहीं पिया है, 5 बजे के निकल के ऐसे जैसे। तो आप लोग देखते रहे ना ब्लॉग, ठीक है। तो इधर देख सकते हैं आप लोग चाय का बागान। वाओ चाय के बागान, और बहुत सारा आदमी लोग इधर काम करने के लिए है सुबह सुबह के टाइम में। अभी टाइम बजाए 5, इसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद जाके हाईलैंड मिलने वाला है। हाईलैंड जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत आदमी लोग घूमने के लिए आता है इधर, पिकनिक खाने के लिए आता है। और शाम के वक्त जो है बहुत रोमांटिक सा मौसम होता है, तो इसलिए इधर बहुत आदमी लोग घूमने के लिए आता है। सो आप लोग थोड़ी देर के बाद हाईलैंड मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है जो नॉर्थ साइड में है, हाईलैंड बोलता है, जो दोनों तरफ से नदी बह के बीच में जो मतलब द्वीप की तरह हो गया है जो हाईलैंड है, तो वही है। तो उसको बोलता है बंगाली पारा। तो इधर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेगा हम लोग, अभी दोस्त लोग आ रहा है इधर। हम लोग अभी इधर ब्रेकफास्ट कर लिया, इसके बाद अभी यहाँ से है 30 किलोमीटर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो जाने स्टार्ट होने वाले हम लोग अभी। तो इधर से टर्निंग होकर जाना पड़ेगा 16 किलोमीटर की तरफ, गूगल मैप दिखाया है, अभी देखा था हम लोग। तो इधर से जाना पड़ेगा हम लोग को, इधर से जाके मिलेगा सम्मान। लेट्स गो। ये भाई तो इधर से जो है वो पार्क को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो आगे देखिए बहुत ऊँचा पार्क दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो 2 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, जो आगे जो है एक BSF का गेट दिखाई दे रहा है जो इंडियन बॉर्डर का है, तो उधर चेकिंग वगैरह होगा शायद, जाके पूछता हूँ जाने के लिए देगा कि नहीं। ओके तो SSB वाला बोल रहा था कि मतलब यहाँ से आगे जाने के लिए नहीं मिलेगा, इंडिया का आदमी को एंट्री नहीं दे रहे, तो यहाँ से आगे जाने के लिए नहीं देगा वो लोग। हाँ SSB लोग बोला यहाँ से आगे मत जाओ बोला। हाँ कटी मतलब हम लोग को बोला, लेकिन उधर तो आदमी है काट, उधर तो मिलेगा शायद। तू यार नहीं संग हम लोग ना तू नहीं शायद। हाँ तो वही था भूटान सम्राट जाने का रास्ता। तो SSB लोग बोल रहा है जाने के लिए नहीं देगा यहाँ से। तो उधर लोकल लड़का लोग है, उन लोग को हम लोग अभी उन लोगों को पूछने के लिए जाता हूँ कितना दूर तक जा सकता है, अगर पॉसिबल है तो मिल जाएगा आगे तक। ये जी थाने ला ना इसे नहीं थाने ला ना गेंटो तो और लॉकडाउन आने से लिखा था जीतु लॉकडाउन खुली हो फिर तुम हाँ ओरने गिदिंग फिर सर
हम लोग यहाँ से मतलब जाएगा, अभी ग्रुप फोटो ले रहे हैं, अभी ग्रुप फोटो बी एस एफ लोग को देना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर दूर उधर भूटान का गेट है, इधर तक जाने के लिए देगा। तो यहाँ से फोटोशूट कर लिया हम लोग, अभी उन लोग को देगा फोटो, इसके बाद हम लोग जा रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग जा रहा हूँ हम लोग भूटान की तरफ, एंट्री हो रहा है अभी। रास्ता थोड़ा अच्छा है, सीसी ब्लॉक लगे है, बहुत ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, पेड़ पौधे बहुत है इस जगह में, घना जंगल। अभी जो है ओवरब्रिज मिलना स्टार्ट हो गया है, अभी ओवरब्रिज का रास्ता है, रास्ता थोड़ा खराब है लेकिन चलेगा, बाइक तो चलता ही है। जो भी फायर यहाँ से, हाँ यहाँ से भूटान मिल गया, अभी भूटान शुरू हो गया यहाँ से। तो इधर तो पुलिस भी नहीं है कुछ भी, तो ये तो आगे ही होगा। चलो थोड़ा सा इधर पुलिस रहेगा, इधर से जाने नहीं, जाने के लिए देगा। तो 1 किलोमीटर से हम लोग ज़्यादा आगे आ गए, अभी पुलिस तो नहीं दिखाई दे रहे हम लोग को। तो जहाँ तक जाने के लिए मिलेगा तब तक जा पा रहेगा, वो आगे दिखाई दे रहा है भूटान का गेट, भूटान का गेट जो पूरा गेट पे बनाया हुआ है, वही है ना गेट आगे वाला। वो रास्ता लॉकडाउन, मतलब उन लोग का भी लॉकडाउन चल रहा है और इंडिया का आदमी लोग को एंट्री नहीं दे रहा है। 23 सितंबर के बाद अनाउंस किया है वो लोग, इंडिया का आदमी मतलब बाहर का जो बाई रोड जो टूरिस्ट है उन लोग को जाने के लिए दिखा था। तो तब तक रुकना पड़ेगा, भूटान का सामरा और इस तरह है पीछे जो है इंडिया का सामरा है, वहाँ से एंट्री स्टॉप हो जाएगा। उधर भुटिया का पुलिस है, आगे में बंकर में है भुटिया का पुलिस। तो बहुत ही खूबसूरत गाँव है उधर भूटान का, शायद यहाँ से जाने के लिए देगा। तो वही है, बहुत खूबसूरत सा जगह है। ए ऐसा ही घूमने के लिए है सर, हाँ घूमने के लिए है ऐसा ही, अभी तो जाने के लिए नहीं देगा ना सर। हाँ 23 सितंबर के बाद खुलेगा ना क्या सर? अच्छा अच्छा सर, ठीक है। अरे ज़्यादा दूर का नहीं है हम लोग, मतलब वो बक्सा डिस्ट्रिक्ट है ना उधर, बक्सा डिस्ट्रिक्ट से हम लोग। हम सर खुलने के बाद इधर कितना दूर तक जाने के लिए देगा, उधर अलाउ है पैदल? ओ कितना कितना दूर तक सर, ऐसे कितना किलोमीटर? ठीक है ठीक है, 10 किलोमीटर। हाँ हाँ हम लोग ना, हम लोग 20 आदमी है। हाँ हाँ ऐसा ही दर्शन करने के लिए है थोड़ा सा। घूमना पड़ेगा, ये माइंड सेट है ना हमारा, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश। हाँ हाँ फ्रेश है, अभी तो फ्रेश लग गया उसको देख के, सीनरी देख के। आप गिटार बजाता है? गिटार बजाता है आप? अच्छा है अच्छा है, नाइस। फोटो खींच सकता है सर इधर, यहाँ से फोटो ले सकता है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। इधर थोड़ा रुकता है सर हम लोग, इधर इधर थोड़ा टाइम रुकता है, थोड़ा टाइम।
तो सर जी आगे जाने के लिए नहीं दे रहे, हम लोग थोड़ा मतलब वही थोड़ा दूर रुकने के लिए दिया, तो रुका हम लोग उधर, तो थोड़ा बातचीत किया। तो लॉकडाउन की बात जाने के लिए देगा बोले, लोकल लॉकडाउन चल रहा है, 23 सितंबर को खुलेगा लॉकडाउन, तो आगे तो जाने के लिए नहीं देगा अभी। हाँ ठीक है, पहले बार जब आता है ना अभी देखे। हाँ वैसे ही उन लोगों को मालूम था लॉकडाउन है तो जाने के लिए नहीं देगा, वो इसको दर्शन करने के लिए आया था। हाँ अच्छा, अभी लॉकडाउन की बात आएगा 23 सितंबर के बाद खुलेगा बोला है, 23 नहीं तो 25 के बाद। अच्छा न्यूज़ मिल गया। हाँ तो यहाँ से क्या है, हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा, बाइक उधर रख के पैदल 10 किलोमीटर दूर तक जाने के लिए जाएगा, तो अच्छा ही है 10 किलोमीटर। हाँ तो रिटर्न जाएगा क्या अभी? नुंगो तो इधर जो है गेट बनाने वाला है, लोग बोल कंस्ट्रक्शन चलने वाला है साइड, बहुत सारा लोहा लेके आया इधर। तो हम लोग अभी वापस जा रहा है, कोरामोर तक जाएगा हम लोग। कोरामोर एक बहुत बड़ा चाय का बागान और एयरफील्ड है उधर, बहुत बड़ा एयरफील्ड है, तो आप लोग देखने के लिए मिलेगा, बहुत खूबसूरत सा जगह है। तो यही है यारफील, देखिए यार।